चलें, समस्त प्रतियोगी छात्र छात्राओं, आपके अपने संस्थान जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में स्वागत है। और आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको संस्कृत के उपसर्ग के बारे में बताएंगे। तो आप लोग साथ में कॉपी और पेन ले करके बैठिए और आप हमारे साथ नोट करते चलेंगे, तो इसे पढ़ने में आपको और आनंद आएगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं उपसर्ग है क्या। उपसर्ग का मतलब ही है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। अब इसके अर्थ को आप देखें, उप का अर्थ होता है समीप, निकट, पास, और सर्ग मीन्स होता है सृष्टि या निर्माण करना। कहने का मतलब कि ऐसा शब्द, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले आकर के उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जब संस्कृत की बात आती है तो हम इतना कह दें, उपसृज्यन्ते धातु नाम, उपसृज्यन्ते धातु नाम, उपसृज्यन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते, समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गः। यानी संस्कृत के लिए हम इतना कह दें, उपसृज्यन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गः। यानी वे शब्दांश जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये आपका कार शब्द है, इस कार शब्द के पहले अगर हम प्र उपसर्ग जोड़ दें तो हमारा शब्द बन गया प्रकार। तो अब ये कार शब्द के पहले आ गया प्र, जोड़ दिया तो बन गया प्रकार। यानी अब आप देखें कि जब हम उपसर्ग जैसे ही जोड़ते हैं तुरंत जो नया शब्द बनता है उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। जब संस्कृत के उपसर्ग की बात आती है तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या, उपसर्ग संख्या आप जाने तो जो संस्कृत का उपसर्ग है इसमें 22 उपसर्ग होते हैं। कहीं भी छात्रों ये क्वेश्चन बनता है कि उपसर्ग संस्कृत में कितने हैं, तो आपका तुरंत आंसर होगा कि उपसर्ग 22 हैं। अब एक एक करके उपसर्ग हम आपको दिखाते हैं और आप इसको ध्यान से देखते नोट करते चलेंगे। तो पहला उपसर्ग आपका है कि प्र, ये हो गया आपका, आपको ऐसे मैं दिखाऊंगा तो अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। उपसर्ग अर्थ, ये हो गया उपसर्ग, ये इसका यहां अर्थ आपको दिखाई देंगे। और यहां आप देखेंगे निर्मित शब्द, यानी उपसर्ग से बना हुआ शब्द। आपके कंपटीशन में जो प्रश्न आता है वो ये देता है, कोई शब्द उठा के रख दिया, कहता है आप छांटिए इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो आप जब समझे रहेंगे तो आसानी से आप छांट के अलग कर लेंगे। तो पहला उपसर्ग हम आपको दिखाते हैं जिसका नाम है प्र। प्र एक उपसर्ग है। एक चीज मित्रों और आप जाने कि उपसर्गों का हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं करते हैं। वो कहां प्रयोग होते हैं, किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं तब उसका हम प्रयोग कर लेते हैं। अब प्र, प्र का अर्थ होता है विशेष रूप से या अधिक, ये दोनों अर्थ इसका होता है, विशेष रूप से दूसरा अर्थ देता है अधिक। अब इससे बना हुआ शब्द आप देखें, जैसे हमने कह दिया प्रकार, प्रचार। अब इन शब्दों में प्र उपसर्ग है कार शब्द है, यहां प्र उपसर्ग है चार शब्द है,
तो जैसे ही उपसर्ग को आप अलग करेंगे वहां आपको कोई न कोई शब्द मिलेगा जिसका अर्थ निकलेगा। जैसे हमने कह दिया प्राख्यातम, अब यहां प्र उपसर्ग हो गया। तो ऐसे ही जहां भी क्वेश्चन आपका आता है तुरंत आप वहां से उपसर्ग को हटाएंगे, तुरंत उसका संधि विच्छेद कर देंगे तो आपका उपसर्ग अलग हो जाएगा और बना हुआ शब्द आपको अलग दिखेगा। दूसरा उपसर्ग आपको दिखाते हैं परा, दूसरे उपसर्ग का नाम है परा। ये आपके कंपटीशन में अभी बहुत जल्दी प्रश्न उठा था, इसका कंपटीशन में अर्थ पूछ लिया था कि परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो आप समझे परा का अर्थ होता है उल्टा, उल्टा या विपरीत, ये परा उपसर्ग अर्थ देता है। आप उल्टा कहें या विपरीत कहें परा उपसर्ग का अर्थ निकलता है। अब आप बना हुआ शब्द देखिए, जैसे पराकाष्ठा, अब यहां उपसर्ग हो गया परा, या दूसरा उपसर्ग दूसरा शब्द आप देखें पराभव, अब यहां से परा उपसर्ग हो गया, भव शब्द हो गया, या आप कहते हैं पराक्रम, तो परा उपसर्ग हो गया और बचा हुआ शब्द क्या हो गया, क्रम हो गया। अगला उपसर्ग आप देखेंगे अप, तीसरा अप, अप का जो अर्थ होता है ये अप अर्थ हमें देता है लघुता या हीनता, लघुता या हीनता। बना हुआ शब्द देखिए आप, जैसे अपकार, अपकार, अप उपसर्ग हो गया, कार शब्द हो गया। अगला देखिए आप अपहारति, अप उपसर्ग हो गया, हारति शब्द हो गया। तो जैसे ही आप उपसर्ग को अलग करेंगे आपको बचा हुआ शब्द जो मिलेगा उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तब आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, उपसर्ग है। अगला आप देखिए अपनायति, अपनायति, अब यहां भी आप देखें अप उपसर्ग हो गया और बचा हुआ शब्द क्या हो गया, नायति। तो नयत का अर्थ होता है ले जाना। ये अगला उपसर्ग आप देखें, तीन उपसर्ग आपको मैंने दिखा दिया, तीसरा उपसर्ग आप देखें ये अप है, चौथा उपसर्ग आपके सामने मैं रख रहा हूं सम, सम का अर्थ आप बताएंगे मुझे, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो आप जान लीजिए सम का मतलब होता है अच्छा पूर्ण साथ, अच्छा पूर्ण साथ। अब आप इससे बने हुए शब्दों को देखिए, जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं संपर्क, अब सम उपसर्ग यहां पर आपको दिख गया, संक्षिपति, संसेते, संक्षिपति या संसेते या संभव, संभव शब्द निकल गया। तो ये आप देखें सम उपसर्ग है और भव क्या हो गया, शब्द हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आप भी ऐसे आराम से छांटते चले जाएंगे। अगला उपसर्ग मैं आपको दिखा रहा हूं अनु, अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे साथ, पीछे भी अर्थ देता है साथ के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। अब बना हुआ आप शब्द देख लीजिए, जैसे हम बोलते हैं अनुचारह, अनुचारह, अनु उपसर्ग है, चारह शब्द है, या हमारा शब्द है अनुभवती, या हम ये कह सकते हैं अन्वेषण। अब मित्रों यहां आपको एक दिक्कत आएगी, लेकिन दिक्कत को अभी हम हल करते हैं, सारे लोग समझें। अन्वेषण इसका हम संधि विच्छेद कर देते हैं तो हो जाता है अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण। अब आप देखिए उपसर्ग निकल गया अनु प्लस एषण।
बराबर बनेगा अन्वेषण। तो उपसर्ग क्या निकल गया छात्रों, अन। तो जहां भी ऐसे हो तुरंत आप उसका संधि विच्छेद करिए और उपसर्ग आपके सामने होगा। अगला उपसर्ग आपको दिखाते हैं छठवां, जिसका नाम है आव। आव, आव का अर्थ होता है हीन, नीचे। हीन के अर्थ में आता है या नीचे के अर्थ में आता है। अब बना हुआ शब्द देखिए, अवगुण, अवतार, अवकाश। ये आपका हो गया अवकाश। तो यहां उपसर्ग क्या है, अव उपसर्ग है। अगला उपसर्ग आपको दिखाते हैं सातवां उपसर्ग, जिसका नाम है निस। निस, निस, इसका अर्थ निकलता है बिना, बाहर। बिना के अर्थ में यह चलता है या बाहर के अर्थ में चलता है। अब आप बना हुआ शब्द देखिए जहां निस उपसर्ग रहे, जैसे हो गया निस्सार, निस्सार, निस्संदेह, निस्संदेह। तो छात्रों अब आप देखिए, ऐसे लिखा रहेगा आपसे कहेगा कि आप उपसर्ग छांटिए, तो निस उपसर्ग हो गया और सार शब्द हो गया। यहां निस उपसर्ग हो गया और संदेह शब्द हो गया। यही अगर ये हो जाए तब आप क्या करेंगे, निश्छल। तो यहां मित्रों घबराने की जरूरत नहीं है, ये देख लीजिए निस उपसर्ग हो गया और छल शब्द हो गया। उसके बाद अगला उपसर्ग आपको दिखाते हैं जिसका नाम है नीर। आठवां उपसर्ग आपके सामने है नीर। अब नीर का अर्थ कहीं भी हो, बिना, बाहर, निषेध। बिना हो गया, बाहर हो गया, निषेध। बना हुआ शब्द आपको दिखाते हैं जैसे निर्जन। अब यहां पर आप देखें निर उपसर्ग है और बचा हुआ शब्द क्या है, जन, या हो गया शब्द निर्माण। अब यहां पर शब्द है निर और माण, उपसर्ग निर है और जो बचा हुआ शब्द निकल रहा है माण, उसको क्या कह देंगे, शब्द हो गया। या निरुपाय, निरुपाय, यहां भी देखिए उपाय शब्द है और निर जो है उपसर्ग है। अगला उपसर्ग आप देखिए जिसका नाम है दुस। नौवां उपसर्ग दुस। अब पहले दुस का अर्थ जानिए। दुस मीन्स होता है बुरा, कठिन। बुरा हो गया, कठिन हो गया। अब बना हुआ शब्द आप देखें जैसे दुस्साहस, दुस्साहस। अब यहां दुस उपसर्ग हो गया और बचा हुआ शब्द हमारा हो गया साहस, या दुस्तरह, दुस्तरह। यहां दुस उपसर्ग हो गया और तरह बचा हुआ शब्द हो गया, या दुष्कर्म, दुष्कर्म। यहां दुस उपसर्ग हो गया और कर्म बचा हुआ शब्द हो गया। अगला आपको दिखाते हैं दुष्चरित्रम, दुष्चरित्रम। तो यहां भी दुस उपसर्ग हो गया और चरित्रम बचा हुआ शब्द हो गया। यानी तालव्य, दंत, मूर्धन्य तीनों आधा आधा से आएंगे, तीनों हमने आपको यहां दिखा दिया, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। उसके बाद हम आपको दसवां उपसर्ग दिखाते हैं जिसका नाम है दुर। दसवां उपसर्ग है दुर। दुर का अर्थ होता है बुरा, कठिन। ये भी यही अर्थ देता है, बुरा, कठिन। जैसे अब आप बना हुआ शब्द देखिए, जैसे हम कहते हैं दुर्गच्छति, दुर्गच्छति, ये है। तो यहां दुर शब्द हो गया, उपसर्ग हो गया, गच्छत शब्द हो गया, या आप कहते हैं दुर्जन, दुर्जन। यहां भी दुर उपसर्ग और बचा हुआ शब्द हो गया जन, या हो गया दुर्दांत,
दुर्दांत। अब यहां भी दुर उपसर्ग है। ऐसे छात्रों आप उपसर्ग को संधि विच्छेद करते हुए अलग करेंगे और बचा हुआ शब्द अलग करेंगे, तो जहां भी आपका रहेगा तुरंत अलग करते और आप अपना आंसर देते चले जाएंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगला उपसर्ग मैं आपको दिखाता हूं जिसका नाम है वी। 11वां उपसर्ग है वी, ये आप लिखेंगे अगला वी। तो अगर आप ध्यान पूर्वक देखते और सुनते रहेंगे तो आपको दिक्कत आनी ही नहीं है। अब मैं आपको 11वां उपसर्ग दिखा रहा हूं जिसको आप ध्यान पूर्वक समझिए। ये है वी। वी का पहले अर्थ जानिए, भिन्नता हीनता, ये हो गया भिन्नता। दूसरा अर्थ देता है हीनता। अब देखिए, जैसे हमने कह दिया विमान, तो वी उपसर्ग है और मान शब्द हो गया, या वहीं पर आप कह दें विचार, वी उपसर्ग हो गया और चारा शब्द हो गया, या आप यहां कह दें विभाग, वी उपसर्ग हो गया और भाग शब्द हो गया, या ऐसे कहीं अगर आपका दे दिया कह दिया व्यर्थ में उपसर्ग आप दिखाएं तो तुरंत आप व्यर्थ संधि विच्छेद कर लेंगे तो उपसर्ग निकल जाएगा। वी प्लस अर्थ, ये आप करेंगे, वी प्लस अर्थ निकल गया तो आपका वी क्या हो गया, उपसर्ग हो गया और बचा हुआ अर्थ शब्द हो गया। उसके बाद आप अगला उपसर्ग देखें जिसका नाम है आ। 12वां उपसर्ग है आ। अब आप पहले आ का अर्थ जाने, क्या अर्थ देता है आ का। अर्थ होता है तक समेत उल्टा, तक समेत उल्टा। अब आप देखें कि जैसे हमने कह दिया आ जनमह, अब यहां भी आप समझें आ उपसर्ग हो गया, जन्म शब्द हो गया, या आप कह दिए आकार, आकार आ उपसर्ग कार शब्द, या यहां हमने कह दिया आदिशति। अब आ उपसर्ग हो गया, तो जहां भी ऐसी स्थिति होगी तुरंत आप उपसर्ग निकालते चले जाएंगे, शब्द को अलग करेंगे तोड़ेंगे। और एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो बचा हुआ शब्द होगा उपसर्ग निकालने के बाद वह सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले। उसके बाद आपको अगला उपसर्ग दिखाते हैं 13वां जिसका नाम है नि। नि, नि का अर्थ होता है नीचे। अब आप देखें बना हुआ शब्द, जैसे निवास, अब नि उपसर्ग हो गया और वास शब्द हो गया, या निदिशति, निदिशति, या यहां आप देखें नि उपसर्ग हो गया, या निषेध, अब यहां भी नि उपसर्ग हो गया और षेध जो है बचा हुआ शब्द है। उसके बाद आपको अगला उपसर्ग दिखाते हैं जिसका नाम है अधि। 14, अधि। सबसे पहले आप अधि के अर्थ को जाने। अधि अर्थ देता है ऊपर, श्रेष्ठ, ऊपर या श्रेष्ठ। अब बचा हुआ शब्द आप देखें, जैसे अध्यक्ष, अध्यक्ष। अब छात्रों यहां आपके लिए समस्या आ रही होगी, लेकिन समस्या का निदान देखिए यह है, तुरंत आप संधि विच्छेद करिए जो कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताया हूं। अधि प्लस अक्ष हो गया अलग, अब हमारा उपसर्ग क्या मिल गया, अधि। तो अधि उपसर्ग हो गया और अक्ष शब्द हो गया। अधिपति है, अगला शब्द है अधिपति है। तो यहां तो क्लियर है कि यहां अधि उपसर्ग है, पति शब्द है, या एक शब्द और बार बार आपके कंपटीशन में घूमा है अध्यादेश, यहां भी आपका
आदि उपसर्ग हो गया, आदेश शब्द हो गया। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द मिलता है आदि प्लस आदेश, कोई दिक्कत नहीं। संधि विच्छेद करिए तुरंत आपका उपसर्ग अलग हो गया और हमने क्या मार दिया, आदि उपसर्ग है। उसके बाद आप अगले उपसर्ग को देखिए जिसका नाम है अति, अति पंद्रहवा अति, इसका अर्थ होता है बहुत या अधिक। चाहे आप बहुत बोलें या अधिक बोलें, दोनों अर्थ देता है। अब आप देखिए बना हुआ शब्द अति से, जैसे अति सेते, अति उपसर्ग हो गया, सेते शब्द हो गया। एक और शब्द जो बार बार आपके कंपटीशन में घूमा है, ये शब्द है अत्याचार। अब यहां पर आप देखें ये निकालने में आपको दिक्कत आती है, तुरंत संधि विच्छेद करिए तो ये हो गया अति प्लस आचार हो गया अत्याचार। तो अति उपसर्ग हो गया और आचार शब्द हो गया। यह अगला शब्द देखिए अतिक्रमणम, अतिक्रमणम। तो छात्रों यहां तो क्लियर है कि अति उपसर्ग है और क्रमणम शब्द है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप सोलहवां उपसर्ग देखिए जिसका नाम है सु। सु का सभी लोग अर्थ जानते हैं सुंदर, अच्छा। उपसर्ग का नाम सु, सुंदर या अच्छा। अब आप बना हुआ शब्द देखिए, जैसे सुविचार। अब सु उपसर्ग हो गया, विचार शब्द हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये शब्द दे देता है तो आपके सामने दिक्कत खड़ी होती है, स्वागतम, स्वागतम। तो छात्रों अब आप यहां देखिए, यहां क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तुरंत आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद मिल गया सु प्लस आगतम, बराबर हो गया स्वागतम। तो छात्रों उपसर्ग क्या निकल गया, सु। अब ये कैसे हल हुआ, संधि से हल हो गया। उसके बाद आगे देखिए सुकर्म, यहां भी आपका क्लियर है, ऐसा शब्द है तो सु उपसर्ग है और कर्मा शब्द है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हल हो गया। उसके बाद सत्रहवां उपसर्ग आपको दिखाते हैं जिसका नाम है उत, ऊपर, अर्थ देता है ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ। ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ या अधिक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब आप बना हुआ शब्द देखिए उत्तरति, उत्तरति ये है। अब आप यहां देखिए उत उपसर्ग है और तरति शब्द हो गया, या आप कहते हैं उत्तम, उत उपसर्ग है और बचा हुआ शब्द जो है तम है। एक और आता है कंपटीशन में उन्नति है। अब ये दिक्कत कर रहे हैं आपको, लेकिन इसका भी आप तुरंत संधि विच्छेद करिए, अभी उपसर्ग निकल जाएगा। ये हो गया उत प्लस नति है, बराबर उन्नति है। तो उपसर्ग हमारा क्या निकल गया छात्रों, उत। उसके बाद आपको अठारहवां उपसर्ग दिखाते हैं जिसका नाम है अभी, अभी। इसका अर्थ होता है सामने, चारों ओर, दूसरा अर्थ देता है चारों ओर। अब आप बना हुआ शब्द देखिए, जैसे हम कहते हैं अभिमन्यते, ये संस्कृत का शब्द हो गया अभिमन्यते, तो यहां पर अभि उपसर्ग हो गया और मन्यते शब्द हो गया। दूसरा ये शब्द आता है अभ्यागत। अब छात्रों आप घबराएंगे नहीं, इसका संधि विच्छेद करिए आपको उपसर्ग मिल जाएगा। तो हमने जब संधि विच्छेद किया तो शब्द निकला अभि प्लस आगत। अब यहां पर अभि उपसर्ग हो गया और आगत शब्द हो गया। दूसरा देखिए ऐसे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभिमुखम, अभि उपसर्ग और बचा हुआ शब्द जो है मुखम है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला उपसर्ग आपको दिखाते हैं जिसका नाम है प्रति, यानी उन्नीसवां उपसर्ग आपको मिल गया प्रति। प्रति अर्थ देता है ओर, तरफ, पीछे, ओर, तरफ, पीछे।
अब बना हुआ शब्द आप देखें प्रति से, जैसे प्रतिरोध, प्रतिरोध। अब यहां प्रति उपसर्ग हो गया। उसके बाद अगला शब्द आप देखिए, बार बार कंपटीशन में उठा है, प्रत्युत्तरम, प्रत्युत्तरम। अब इसका भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस उत्तरम बराबर प्रत्युत्तरम, या हमने कह दिया प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम। अब ये भी देख लीजिए, बहुत से लोग यहां गलत मार के आते हैं, उन्हें प्र दिखता है तो प्र मार देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं छात्रों, आप पहले उसका संधि विच्छेद करिए, तोड़िए शब्द को, तब आपका उपसर्ग मिलेगा, तब क्लियर होगा। तो जैसे है प्रति प्लस अक्षम बराबर प्रत्यक्षम। अब आप सुने भी होंगे कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो वहां प्रति उपसर्ग निकला और अक्षम शब्द हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हल हो गया। उसके बाद आप बीसवां उपसर्ग देखेंगे, जो कि हमारे उपसर्गों की संख्या 22 है, परि, आसपास सब तरफ अर्थ देता है, परि आसपास सब तरफ, ये है। अब जैसे परिजनः शब्द हो गया, परिजनः, या दूसरा शब्द है पर्यावरण, पर्यावरण। ये देखिए, यहां तो आपने निकाल लिया कि परि उपसर्ग है, लेकिन अगर ये शब्द दे दिया तब आपके लिए समस्या होती है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं, तुरंत आप इसका विच्छेद करिए, परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण, कोई दिक्कत नहीं, परि उपसर्ग मिल गया और आवरण शब्द हो गया। अगला शब्द आपको दिखा देते हैं, परिपुष्ट, परिपुष्ट, कोई दिक्कत नहीं, परि उपसर्ग और पुष्ट शब्द हो गया। उसके बाद आप 21वां उपसर्ग देखेंगे, जो आपके सामने है, उप, उप का अर्थ होता है निकट, सदृश, गौड़, निकट सदृश गौड़। अब आप देखिए गौड़, अब बना हुआ शब्द देख लीजिए, जैसे हम कहते हैं उपक्रमते, उपक्रमते, उप उपसर्ग हो गया, क्रमते शब्द हो गया, या उपचार, उप उपसर्ग और चार शब्द हो गया, या इसी को हम कह देते हैं उपदेश, आराम से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उप उपसर्ग और आदेश, यहां शब्द आपको मिल गया तो उप उपसर्ग निकल गया। उसके बाद आपको अंतिम उपसर्ग दिखाते हैं, जिसका नाम है अपि, 22, अपि, अपि का अर्थ होता है निकट, भी, निकट और भी दोनों अर्थ देता है। और छात्रों आप इसको ध्यान से समझ लीजिए अपि को, क्योंकि ये पीसीएस में क्वेश्चन आया था, वहां पर इसने कंपटीशन में उठा दिया था कि आप उपसर्ग से बने हुए दो शब्द लिखिए, बहुत से छात्र लिख लिए, लेकिन बहुत से छात्र मालूम ही नहीं था, लोग लिख ही नहीं पाए, जैसे अब आपको हम दिखा रहे हैं, शब्द हो गया अपिधान। अब देख लीजिए अपि उपसर्ग है यहां पर, कोई दिक्कत नहीं, या अपिगीरति, अपिगीरति, या अब यहां भी देख लीजिए अप उपसर्ग है, गिरत शब्द है। अगला शब्द है अपिनहेयति, ये अपि उपसर्ग है और नहेयति जो है शब्द बच रहा है, तो अपि उपसर्ग से बना हुआ पीसीएस में उठाया था कि दो शब्द लिखिए, आपको हमने दिखा दिया, जहां भी आता है तुरंत आप ऐसे हल करेंगे। तो छात्रों जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आप सीधे सीधे नहीं कह देंगे कि ये लगा, पहले आप उसका संधि विच्छेद करिए, तब आपको उपसर्ग पता चल जाएगा कि इसमें शुद्ध रूप से उपसर्ग क्या लगा हुआ है। तो छात्रों ये संस्कृत में कम से कम दो प्रश्न उपसर्ग पर आता है, अब आप जहां भी आएगा इस आधार पे हल करते जाएंगे, और आप अगर
इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे तो उपसर्ग की आपके सामने कोई समस्या ही नहीं आएगी। कोई समस्या अगर आपको आती है तो आप इसके लिए कोचिंग सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। और इसके बाद ये वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। फिर संस्कृत की अगली चीज़ आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो आपको तब तक के लिए धन्यवाद।